नमस्कार और आदाब। स्वागत है आप सभी का QNS न्यूज़ की न्यूज़ बुलेटिन में और मैं हूं आंचल मिस्की। चलिए आज के खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कोविड के हालातों को नज़र में रखते हुए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हेल्थ और टूरिज्म सेक्टर पे फोकस करते हुए सेंटर ने 6,28,993 करोड़ का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 8 इकोनॉमिक रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए, जिसमें से एक स्पेसिफिकली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपीस का लोन गारंटी स्कीम अनाउंस किया, जिसमें से 50,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए होगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 2020 में अनाउंस किया गया था, उसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपीस का रिलीफ मेजर अनाउंस किया। श्रीमती सीतारमन ने क्रेडिट गारंटी स्कीम एज अनदर रिलीफ मेजर अनाउंस किया, जो कि एक नई स्कीम है जिसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू 25 लाख लोगों को लोन मिल सकेगा। एक और डिसीजन टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए लिया गया, जिसमें मोर देन 11,000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 लाख टूरिस्ट को फ्री टूरिस्ट वीजा देने की भी अनाउंसमेंट की। दोस्तों, आज की दूसरी खबर ये है कि श्रीनगर के बरबरशाह इलाके में 2 दुकानें जलकर खाक हुई। ये मैटर पुलिस की निगरानी में आ चुका है और केस रजिस्टर कर दिया गया है। आज से कुछ दिनों पहले कुपवाड़ा इलाके में जिस 17 साल के लड़के ने नूरबाग एरिया के पास जहलम में कूद कर जान दी थी, उसकी बॉडी कल शाम को नदी से बरामद की गई। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में एक फीमेल हेल्थ वर्कर ने अपने घर में पॉइजनस सब्सटेंस खाकर सुइसाइड अटेम्प्ट किया। हॉस्पिटल जाते समय बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों, एक और फायर इंसिडेंट अशमुकाम से रिपोर्ट किया गया। अशमुकाम के जियारत चौक पे एक घर के अलावा 6 दुकानों में आग लगी। वहीं बानीहाल से भी आग लगने की खबर आई। बानीहाल में 35 घर आग की चपेट में आए, जिसमें 8 घर जलकर खाक हुए। वहीं कोविड की थर्ड वेव को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर यूटी के LG का बयान आया कि अगर थर्ड वेव की चपेट में जम्मू कश्मीर आता है तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस थर्ड वेव से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस की निगरानी में आ चुका है और केस रजिस्टर कर दिया गया है। आज से कुछ दिनों पहले कुपवाड़ा इलाके में जिस 17 साल के लड़के ने नूरबाग एरिया के पास जहलम में कूद कर जान दी थी, उसकी बॉडी कल शाम को नदी से बरामद की गई। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में एक फीमेल हेल्थ वर्कर ने अपने घर में पॉइजनस सब्सटेंस खाकर सुइसाइड अटेम्प्ट किया। हॉस्पिटल जाते समय बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों, एक और फायर इंसिडेंट अशमुकाम से रिपोर्ट किया गया। अशमुकाम के जियारत चौक पे एक घर के अलावा 6 दुकानों में आग लगी। वहीं बानीहाल से भी आग लगने की खबर आई। बानीहाल में 35 घर आग की चपेट में आए, जिसमें 8 घर जलकर खाक हुए। वहीं कोविड की थर्ड वेव को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर यूटी के LG का बयान आया कि अगर थर्ड वेव की चपेट में जम्मू कश्मीर आता है तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस थर्ड वेव से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑक्सीजन कैपेसिटी 14,000 LPMs से बढ़ाकर 55,000 LPMs कर दी गई है। जल्दी ही ऑक्सीजन कैपेसिटी 90,000 LPMs तक पहुँच जाएगी और साथ ही हर पंचायत के पास 5 कोविड बेड फैसिलिटी भी मौजूद है। दोस्तों, इसी के साथ JK बोस से भी खबर आई कि क्लास 10th के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की खबरें। चलिए अब फटाफट से कोविड के आंकड़ों पर भी नज़र घुमा लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आज कुल मिलाकर 308 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए, जिसमें जम्मू डिवीजन से 99 और कश्मीर डिवीजन से 209 दर्ज हुए। वहीं अगर हम डेथ केसेस की बात करें तो वो 6 दर्ज हुई हैं, जिसमें 2 जम्मू डिवीजन से और 4 कश्मीर डिवीजन से दर्ज हुई। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं उस सेगमेंट में जिसमें हम आप सभी को बताते हैं कि 29 जून को क्या हुआ था या कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, आज यानी 29 जून को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं और ये लेट प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महलनोबिस के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रसन्नता चंद्र महलनोबिस को एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है।
तो दोस्तों आज के न्यूज़ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कल की खबरें, आंकड़े और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशनल फैक्ट्स लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।